नमस्कार किसान साथियों। किसान साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं किसान भाई को एक कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं, क्योंकि जब जीरी रोपाई के वक्त जो खरपतवार रोकने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, वो मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध है। जैसे कि एक पट्टीला क्लोर 50% आती है और एक जो पट्टीला क्लोर 37% आती है। तो किसान साथियों कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने खेत में कौन सी इस्तेमाल करें, जिससे कि जो हमारे खेत में जो खरपतवार उगने वाले हैं वो उग ना सके और सब शुरू से ही हमारा जो जीरी का खेत है वो खरपतवार मुक्त रह सके। तो चलिए किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ये पट्टीला क्लोर 50% और जो पट्टीला क्लोर 37% है, इसके बीच में मैं आपको फर्क बताने वाला हूँ और आप कौन सी इन दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्किप न करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों, जो पैडी का सीजन है वो शुरू हो गया है और जो पैडी है वो रोपाई होना शुरू हो गई है। तो किसान साथी सबसे पहले जो अपने खेत में दवाई का इस्तेमाल करते हैं वो है खरपतवार नाशनी। जी हाँ किसान साथियों, हर एक किसान साथी अपनी पैडी की रोपाई के बाद उसके अंदर जो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए जो हर्बिसाइड आता है उसका इस्तेमाल हर एक किसान साथी करता है। तो किसान साथियों को कुछ कंफ्यूजन रहती है कि जो मार्केट के अंदर कई तरह के जो हर्बिसाइड जो मौजूद हैं उसमें से वो कौन सा इस्तेमाल करें जिससे कि उसको जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिले, और अपने धरती के हिसाब से, अपने पानी के हिसाब से कि उसकी धरती के अंदर कितना पानी खड़ा होता है या उसकी जो धरती है वो पानी जल्दी से सोख लेती है, तो उसमें ऐसा कौन सा हर्बिसाइड इस्तेमाल करें कि जो उसका जो खरपतवार उगने वाला है वो उग ना सके और वहीं पर ख़त्म होकर के जो पैडी है वो शुरू से ही अच्छी और स्वस्थ होकर के चले और वो खरपतवार मुक्त शुरू से ही रह सके। तो ऐसी कौन सी खरपतवार की दवाई उसको चुननी चाहिए कि जो उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिले। तो जैसे किसान साथियों, मार्केट में कई तरह की दवाई खरपतवार के लिए उपलब्ध है, जो जैसे कि रिफिट और रिफिट प्लस। इसमें जो रिफिट है और जो रिफिट प्लस है, इसमें जो रिफिट है उसमें आपको पट्टीला क्लोर 50% है और जो रिफिट प्लस है उसमें आपको मिलता है पट्टीला क्लोर 37%। जी हाँ किसान साथियों, इसमें जो दवाई है रिफिट और रिफिट प्लस के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। तो किसान साथियों, इसमें से आपको कौन सी अपने खेत के हिसाब से आपको चुननी चाहिए जिससे कि आपको जो रिजल्ट है, जो खरपतवार है वो वहीं पर रुक सके और जो उसका रिजल्ट है आपको बहुत अच्छा देखने को मिले। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात पट्टीला क्लोर 50% की करें। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले जो पट्टीला क्लोर 50% है ये एक तरह से पेट्रोलियम बेस टेक्निकल है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकल है वो एक बार आप अपने खेत में डाल दोगे तो वो खुद पे खुद फैलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको पेट्रोलियम बेस टेक्निकल कहा जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम इसके इस्तेमाल की बात करें। तो किसान भाइयों, जिसके खेत में 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर खेत के अंदर पानी खड़ा रहता हो, यानी आपका जो खेत है वो पानी कम सोखता हो और जो वो पानी है खड़ा रहता हो, तो किसान साथियों आप उसमें पट्टीला क्लोर 50% इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ये टेक्निकल है इसको काम करने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय जो है चाहिए होता है। और टेक्निकल काम कैसे करता है, तो जो टेक्निकल है ये पानी में आप जब इसको डालोगे तो ये खुद ब खुद फैल जाता है और ये जो है पानी की लेयर के नीचे जो धरती की लेयर है इस पर जम जाता है और वहाँ पे जमने के बाद ये जो खरपतवार है उसको उगने से रोकता है। तो किसान साथियों इस तरह से काम करता है। किसान साथियों अब हम बात पट्टीला क्लोर 37% की करें, तो किसान साथियों ये एक तरह से ब्रो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। तो किसान साथियों इसको आप जिस खेत में जो पानी है थोड़ा जल्दी सूख जाता हो या उसमें पानी जो है खड़ा ना होता हो तो आप उस खेत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये जो दवाई है ये कम पानी में काम करती है, तो आपके खेत में कम से कम 10 से 12 घंटे पानी खड़ा होना चाहिए तो आप जो है पट्टीला क्लोर 37% का इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। ये थोड़ा जल्दी काम करती है और जो इसका जो कलर है वो वाइट कलर दूध जैसा आपको देखने को मिलता है। तो किसान साथियों ये भी जो टेक्निकल है ये भी बहुत अच्छा टेक्निकल माना जाता है और ये कम पानी में आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको जो रिजल्ट है इसका बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। और जो पट्टीला क्लोर 50% है, जिस किसान भाई के खेत में पानी अच्छा है या 24 से 48 घंटे के अंदर खड़ा रहता है, तो किसान साथियों आप पट्टीला क्लोर 50% का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसके खेत में पानी कम है वो आप पट्टीला क्लोर 37% का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो अब हम इसकी डोज की बात करें, तो किसान साथियों जो पट्टीला क्लोर 50% है आपको 500 ml पर लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है,
और जो पटीला क्लोज 37% EW है वो आपको 600 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है। वैसे तो जो पर एकड़ की इसकी जो पैकिंग आती है वो 600 ml आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी पैकिंग भी इसकी जो आती है वो आपको 600 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में इस्तेमाल करनी है, तो आपको जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे इसको खेत में आप कैसे डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको जो पटीला क्लोर 50% है उसमें आपको 500 ml पटीला क्लोर साथ में 500 ml पानी उसके साथ ले सकते हैं, और एक बोतल को लेकर के उसमें सुराख, उसके जो ढक्कन है ऊपर सुराख करके उसको आप अपने खेत में छिड़क सकते हैं। तो किसान साथियों, जो पटीला क्लोर है उसमें वो पेट्रोलियम बेस्ड टेक्निकल है, और ये जो इसकी एक बूंद है 400 मीटर तक फैलने की शक्ति रखती है, तो इसी करके आप इसको बोतल से छिड़क सकते हैं, तो आपके खेत में खुद खुद ये फैलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपको जो पटीला क्लोर 37% है किसान साथियों, इसका जो फैलने का थोड़ा सा जो इसका जो फैलने का जो सिस्टम है थोड़ा पटीला क्लोर 50% से थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको आप बोतल से भी डाल सकते हैं, और जो इसका अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो आप इसको जो स्प्रे पंप होता है उसमें डाल करके इसकी आप अपने खेत में स्प्रे कर दें, तो आपको जो इसका रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए किसान साथियों, जो ये पटीला क्लोर 50% और पटीला क्लोर 37% के बीच में जो अंतर है और जो इसमें क्या क्या आपको अलग विशेषताएं मिलती है मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो चलिए किसान साथियों, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।